नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुजी का स्कूल। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 18 जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स, जो आपको आपके आसपास हो रही घटनाओं से अवगत कराएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ इसे अन्य लोगों को शेयर भी करें। तो दोस्तों, ये हमारे आज के प्रश्न। प्रश्न संख्या एक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका सही उत्तर है 93वां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपना 93वां स्थापना दिवस 16 जुलाई 2021 को आभासी रूप से मनाया। यह एक स्वायत्त निकाय है जो भारत में कृषि शिक्षा और अनुसंधान के समन्वय के लिए जिम्मेदार है। प्रश्न संख्या दो, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 17 जुलाई। दुनिया भर में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस प्रत्येक वर्ष 17 जुलाई को मनाया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कृत्यों के खिलाफ न्याय की एक उभरती हुई आधुनिक प्रणाली का प्रतीक है। प्रश्न संख्या तीन, भारत द्वारा पहली बार पॉड टैक्सी किस शहर में चलाई जाएगी? तो इसका सही उत्तर है नोएडा। भारत अपनी पहली पॉड टैक्सी को नोएडा एयरपोर्ट और नोएडा फिल्म सिटी के बीच चलाएगा। प्रश्न संख्या चार, किस कंपनी द्वारा क्लाउड कंप्यूटिंग में अयोग्य युवाओं को प्रवीण बनाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है IBM। IBM कॉर्प ने नेस्कॉम फाउंडेशन के साथ साझेदारी में कर्नाटक, तेलंगाना और दिल्ली NCR के डेटा विज्ञान और क्लाउड कंप्यूटिंग में लगभग 5,000 अयोग्य युवाओं को प्रवीण बनाया जाएगा। प्रश्न संख्या पाँच, भारत द्वारा 2023-24 तक कितने प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है 20%। भारत 2023-24 तक पेट्रोल के साथ 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लेगा। प्रश्न संख्या छः, किस पावर कंपनी द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे? तो इसका सही उत्तर है टाटा पावर। टाटा पावर शहरों और राजमार्गों पर राज्य द्वारा संचालित हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के आउटलेट पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगी। प्रश्न संख्या सात, विजय दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो इसका सही उत्तर है 50वीं। चिनार कोर ने 16 जुलाई 2021 को विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ मनाई। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021 को स्वर्णिम विजय वर्ष नाम दिया गया है। प्रश्न संख्या आठ, FIDE शतरंज विश्व कप किस देश के द्वारा जीता गया है? तो इसका सही उत्तर है भारत। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद और अधिवान भास्करन ने FIDE शतरंज विश्व कप के दूसरे दौर में दो मैचों के मिनी मैच के पहले गेम में जीत दर्ज की। प्रश्न संख्या नौ, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पैनल किस देश द्वारा बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है सिंगापुर। सिंगापुर ने विश्व के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पैनल फार्मों में से एक का अनावरण किया है। यह 45 फुटबॉल मैदानों के बराबर क्षेत्र में फैला हुआ है और द्वीप के 5 जल उपचार संयंत्रों को बिजली देने के लिए पर्याप्त विद्युत का उत्पादन करता है। प्रश्न संख्या 10, उत्तर पूर्वी रेलवे द्वारा किस शहर का नाम बदलकर बनारस कर दिया है? तो इसका सही उत्तर है मंडुआ डीह। उत्तर पूर्वी रेलवे द्वारा मंडुआ डीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 11, किसानों को उनकी वांछित भाषा में जानकारी प्रदान करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर है किसान सारथी। सरकार ने किसानों की उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करने के लिए सुविधा के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी लॉन्च किया है। प्रश्न संख्या 12, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने 2020-21 चैंपियनशिप के लिए किस भारतीय का प्रतिनिधित्व किया है? तो इसका सही उत्तर है गोकुलम। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने FC क्लब चैंपियनशिप 2020-21 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए गोकुलम केरला FC को नामित किया है। प्रश्न संख्या 13, किस राज्य सरकार द्वारा रिटेल पार्क नीति 2021-26 जारी की गई है? तो इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने रिटेल पार्क नीति 2021-2026 जारी की है। नीति का उद्देश्य GSDP को बढ़ावा देने के लिए राज्य के भीतर संगठित खुदरा व्यापार को बढ़ावा देना है। प्रश्न संख्या 14, किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन ATM स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है हरियाणा। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भारत का पहला ग्रीन ATM स्थापित किया है। इन मशीनों द्वारा 5 से 7 मिनट के समय में लगभग 70 किलोग्राम अनाज निकाला जा सकता है।
प्रश्न संख्या 15 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष के शहर में बनाया गया है, तो इसका सही उत्तर है वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जुलाई 2021 को वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन किया। 2 मंजिल कन्वेंशन सेंटर में 1200 लोग बैठ सकते हैं। तो दोस्तों आज के प्रश्नों की श्रृंखला हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ इसे अन्य लोगों को शेयर भी करें। दोस्तों घर में रहें, सुरक्षित रहें और सरकार के निर्देशों का पालन करते रहें। धन्यवाद।